असल जंग तो अब शुरू हुई है अब्दुल के लिए। अल्लाह फतेहाब करे मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि एक नौजवान बड़ी फुर्तीले स्टाइल में दौड़ते हुए आ रहा है और आते साथ ही एक लॉन्ग जंप, वो भी 11 मोटरसाइकिलों के ऊपर से, जो 7 मीटर तकरीबन लंबी छलांग बनती है। जी हाँ, और ना सिर्फ ये बल्कि वो नहर के ऊपर से भी छलांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ ये वो बल्कि 3 से 4 ऊँटों के ऊपर से भी जंप लगा लेते हैं। ना सिर्फ ये वो 2-3 बसेस के ऊपर से भी छलांग लगा लेते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, वो जंप करते करते पानी पे कदम रख के भी जंप करके आगे पहुंच जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सच है। और ये टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ही है। ये उड़न खटोला बड़े ही टेक्निक से अपनी टांगों को स्ट्रेच करता है और बड़े ही बेहतरीन अंदाज में खुद को बैलेंस करता है। और इस उड़न खटोले का नाम है आसिफ मगजी, जिन्होंने आजकल टिकटॉक पर धूम मचा रखी है। आसिफ के टैलेंट को केल लेविस ने भी सराहा है, जो 9 बार ओलंपिक चैंपियन रहे हैं लॉन्ग जंप में। इन्होंने 8 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया है। पाकिस्तान एथलीट फेडरेशन के साबिक सदर मोहम्मद अकरम ने भी इनसे रब्ता किया है और कहा है कि इनको लाहौर बुलाएंगे और प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। जहां ओलंपिक से लेकर टिकटॉक तक हर जगह आसिफ के टैलेंट की धूप मची हुई है, वहां ये कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट हो और पाक आर्मी से छुपा रह जाए। पाक आर्मी के बहुत से ऑफिसर्स ने आसिफ के इस टैलेंट को देखा और आसिफ को पाक आर्मी की तरफ से बुलावा आ भी गया है और उन्होंने पाक आर्मी ज्वाइन कर भी ली है। आसिफ पहले मिली नगमों पर तरह तरह की वीडियोस बनाते थे और टिकटॉक पर अपलोड किया करते थे। इनको पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और वो बचपन से ही पाक आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन 8वीं जमात तक पढ़ने की वजह से और अपने फाइनेंशियल हालात ख़राब होने की वजह से वो अपने शौक़ को पूरा ना कर सके। और अब उनकी मेहनतें, उनकी दुआएं, उनका टैलेंट और वतन से मोहब्बत का जज्बा रंग ले आया है और पाक आर्मी ने ख़ुद उनको बुला लिया है। पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, चाहे वो टैलेंट छोटा हो या बड़ा। आप में भी कोई टैलेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।